और इसमें खास बात यह है कि छात्राओं की संख्या 2587 है। बल्लभगढ़ क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उदार मीना बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी, वाणी के धनी चेयरमैन लाला रतन सिंह गुप्ता जी ने सन 1997 में 5 एकड़ जमीन पर सेक्टर 3 बल्लभगढ़ में अग्रवाल पब्लिक स्कूल की शाखा का उद्घाटन श्री कमल किशोर अग्रवाल जी से करवाया। वर्तमान में 3550 छात्र छात्राएं अंग्रेजी माध्यम से इस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 2014 में ही अग्रवाल शिक्षण संस्थान की स्थापना लाला रतन सिंह गुप्ता जी ने की, जिससे आज सैकड़ों छात्र छात्राओं को बीएड करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। चेयरमैन लाला रतन सिंह गुप्ता जी ने बल्लभगढ़ से सटे ग्रामीण अंचल के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से CBSE बोर्ड के अंतर्गत अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, इस पवित्र भावना से 2016 में अग्रवाल पब्लिक स्कूल मछगर में शुरू किया और आज आलम यह है कि 3 सालों में ही 741 विद्यार्थी इसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे विद्यालय में प्रवेश लेकर लाभान्वित हो रहे हैं। एक विशेष उपलब्धि, सन 2004 में सभा ने जीटी रोड स्थित गांव मीरापुर में 12 एकड़ जमीन खरीदी। प्रचारणी सभा के इतिहास में क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ी जमीन है, जिसमें वर्तमान चेयरमैन श्री देवेंद्र गुप्ता जी की देखरेख में अग्रवाल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एंड रिसर्च, व्यवसायिक शिक्षण एवं शोध संस्थान की स्थापना होने जा रही है। हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा शोध खेल की त्रिवेणी में गोता लगाकर युवा शक्ति को शिक्षित और संस्कारवान बनाकर समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए इसमें तैयार करेंगे। इस संस्थान का उद्देश्य है कि व्यवसायिक शिक्षण और शोध के लिए जिला फरीदाबाद के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहर ना जाना पड़े, इससे समय और धन दोनों की बचत होगी। वर्तमान में आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा का स्वरूप बदलता जा रहा है और इस बदलते प्रवेश में समसामयिक शिक्षा प्रदान करना इस संस्थान का लक्ष्य रहेगा, ताकि अपने क्षेत्र में युवा आधुनिक धारा से जुड़कर आत्मनिर्भर के साथ अपना और राष्ट्र का भला कर सकें। अग्रवाल महाविद्यालय के अतिरिक्त अग्रवाल शिक्षण संस्थान एवं 4 स्कूल वर्तमान में चल रहे हैं। इन सभी शिक्षण संस्थानों में 13,363 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और प्रतिवर्ष हजारों छात्र छात्राएं उत्तीर्ण होकर समाज और राष्ट्र को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। अग्रवाल विद्या प्रचारणी सभा की उदारवादी नीति का परिणाम है कि प्रतिवर्ष गरीब और असहाय छात्र छात्राओं की सहायता के लिए करोड़ों रुपए की फीस माफ की जाती है। सभा के द्वारा सत्र 2016-17 में 1,26,89,000 रुपए, सत्र 2017-18 में 1,37,50,000 रुपए एवं सत्र 2018-19 में 1,22,40,000 रुपए की धनराशि फीस के रूप में माफ की गई, जो कि अपने आप में तमाम शिक्षण संस्थाओं के बीच एक बहुत बड़ी मिसाल है। शिक्षा और संस्कारों को सिखाने में पूर्वजों ने यह सिद्धांत बना रखा था कि कमतर खर्चे में श्रेष्ठ शिक्षा का प्रचार प्रसार करना वर्तमान में भी नवोन्मेष शालिनी सोच के वाहक, प्रगतिशील विचारधारा के जनक, एक श्रेष्ठ दूरदृष्टि विचारधारा के स्वामी वर्तमान चेयरमैन श्री देवेंद्र गुप्ता जी और सभा के गणमान्य पदाधिकारी और सदस्य भी इसी सिद्धांत का अनुपालन करते हुए समाज और राष्ट्र को लाभान्वित कर रहे हैं। यही एक ऐसी संस्था है जहां कम से कम फीस में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। वर्तमान में जो भी इस सभा का नेतृत्व कर रहे हैं और अपनी प्रगतिवादी सोच और संस्कारित आधुनिक विचारधारा से इस विशाल संस्था और शैक्षणिक संस्था को सम्यक दिशा और दशा दे रहे हैं, उनके बारे में कुछ ऐसा कह सकता हूं, ना थके कभी पैर, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसीलिए सफर जारी है, इसीलिए सफर जारी है। देवेंद्र जी के लिए है ये लाइनें, जागते रहना है, जागते रहना है, क्योंकि मुझे अपने सपनों को पाना है, अपने हुनर का अंदाज जहां को दिखाना है, मुकाम तो हासिल कर लूंगा एक दिन, जहां में मुझे नया इतिहास बनाना है, जहां में मुझे नया इतिहास बनाना है। महानुभावों, अग्रवाल महाविद्यालय से अतिरिक्त तमाम शिक्षण संस्थाओं, चाहे वो अग्रवाल पब्लिक स्कूल हो, अग्रवाल कन्या उच्च विद्यालय हो, सभी ने शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रखी है, जिसका परिणाम है कि हमारे स्कूल के छात्र छात्राओं ने शिक्षा,
खेल और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रांतीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया है। हमारे युवाओं ने कई बार वैश्विक स्तर पर भी रिकॉर्ड कायम किया है। आपको जानकर अति हर्ष होगा कि सभा की परोपकारी योजना के तहत दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए समर्थ योजना शुरू की, जिसमें उनके लिए फीस माफी, छात्रवृत्ति और पुस्तकों की व्यवस्था की जाती है। महोदय, हमारा महाविद्यालय युग पुरुष वैश्य समाज के पुरोधा महाराजा अग्रसेन की स्मृति में 2 दिवसीय नवरंग महोत्सव अंतर विश्वविद्यालय स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करता है। विद्यार्थियों और प्राध्यापकों का ज्ञान नित नूतन बना रहे, इसके लिए महाविद्यालय में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठी, कार्यशालाएं, व्याख्यान और शिविर आयोजित किए जाते रहते हैं। आप सभी को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रचारणी सभा और प्रबंध समिति के सहयोग से विद्यार्थियों, प्राध्यापकों और कर्मचारी वर्ग के सामूहिक सक प्रयासों से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली की स्वायत्त संस्था राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने महाविद्यालय की गुणवत्ता और गुणात्मकता को देखते हुए 3.40 CGPA प्रदान करते हुए ए ग्रेड प्रदान किया है। यही नहीं, जो पौधा 1919 में एक वृक्ष के नीचे पाठशाला के रूप में लगाया गया, आज उसने इतना वृहत रूप ले लिया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कॉलेज विद पोटेंशियल फॉर एक्सलेंस का दर्जा भी हमारे महाविद्यालय को दिया है। यह सब भक्त श्यामलाल और हमारे समस्त पूर्वजों का आशीर्वाद है। आगे भी यह सभा और सभी शैक्षणिक संस्थान लाला रतन सिंह गुप्ता जी की रहनुमाई और श्री देवेंद्र गुप्ता जी की अगुवाई में उनके आशीर्वाद से सफल मुकाम हासिल करते रहेंगे। अंत में मैं अपने विचारों को विराम देते हुए यही कहूंगा, हमारा 100 वर्ष पुराना अतीत इतना स्वर्णमयी है तो भविष्य भी आपके सतत प्रयासों और सहयोग से ज्योतिर्मय होगा। शताब्दी समारोह वर्ष 2018-19 की पावन बेला पर संकल्प लेते हैं कि हम इस पुनीत, पावनकारी, कल्याणमयी अग्रवाल विद्या प्रचारणी सभा के उत्कर्ष, उत्थान, उत्तरोत्तर विकास में पूर्ण आस्था, निष्ठा और लगन के साथ पुरजोर जीवन पर्यंत प्रयासरत रहेंगे। इन मंगल कामनाओं के साथ मैं अपना स्थान लेता हूँ। स्वर्णिम शतक वर्ष यूं बीते हैं, आगे भी ऐसे ही बढ़ेंगे। राष्ट्रहित के लिए मिलकर हम फिर इतिहास रचेंगे। शताब्दी समारोह में मिलकर लेते हैं ये संकल्प, आगे भी हम नए अंदाज में आगे बढ़ेंगे, आगे भी हम नए अंदाज में आगे बढ़ेंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। 100 वर्षों के इतिहास को कुछ मिनटों में पिरोना कठिन काम था, पर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये आपने बता दिया। और कुछ लोग चले थे जानिबे मंजिल, कुछ लोगों ने मिलकर इस सभा की स्थापना की थी, और कहा जाता है कि अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। कारवां देखिए कितना ज़्यादा है, और सभी इस कारवां के लिए अपने अपने लिए और जो हमसे पहले सभा का स्थापन कर गए हैं उनके लिए जोरदार तालियों के साथ उनका वंदन हम करते हैं, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, उनको याद करने का समय है जिन्होंने इसका बीज बोया और आज ये वट वृक्ष के रूप में खड़ा है। और प्राचार्य डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता जी ने गागर में सागर भरकर उन 100 वर्षों की यात्रा को यहाँ प्रस्तुत किया है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मंच पर सांस्कृतिक गतिविधियां चल रही हैं, विभिन्न प्रदेशों की झलकियां हमें मिल रही हैं, और अब अग्रवाल पब्लिक स्कूल सेक्टर 3 के द्वारा एक नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है, राजस्थानी नृत्य। और उसका परिचय देने के लिए मैं उसी स्कूल से सचिन जी को बुला रही हूँ। सचिन मैडम, धन्यवाद मैम। मैं यहाँ उपस्थित सभी को अब सेक्टर 3 विद्यालय APS की तरफ से स्वागत करती हूँ, और मैं यहाँ खड़े होकर अपने आप में इतना गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मैं इस शताब्दी का हिस्सा हूँ, और सब यहाँ पर मेरे साथ मेरे इंस्टीट्यूट में काम करने वाले सभी लोग
इसके हिस्सेदार हैं, ये सभी उनमें गर्व की बात है। तो आइए आज हमारे विद्यालय के छात्राएं आपके लिए राजस्थान की एक प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं। राजस्थान, राजस्थान जिसे हम महाराज की भूमि भी कहते हैं, और रंगीला राजस्थान, महारो राजस्थान, कितने नाम मैं गिनूं। प्रदेश में रंग बिरंगों के वस्त्रों के साथ ही नहीं, त्योहारों के साथ भी इस प्रदेश को बहुत माना जाता है। तो उसी राजस्थान की झलकियां हमारे स्कूल की छात्राएं प्रस्तुत कर रही हैं आपके सामने। आइए आपको ले चलते हैं अपने राजस्थान, महारो रंगीलो राजस्थान। राजस्थान, रंग रंगीलो राजस्थान, इस मरुभूमि की तपती हुई रेत पर चारों ओर संगीत ही संगीत बिखरा पड़ा है। कहीं घूमर तो कहीं मजीरों से ताल मिलाकर भक्ति में डूबी युवतियां, तो कहीं सावन के आने पर खुशी में नाचते हुए मयूर नृत्य कर अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं।